तो हे गाइस, वेलकम बैक ऑन द न्यू व्लॉग ऑफ द भरमौरी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। सो नए फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत है। टाइटल थंबनेल देख के आपको पता लग ही चुका होगा कि हमारी आज की वीडियो का टॉपिक क्या रहने वाला है। और बहुत से लोग मेरे को मतलब कमेंट में ऐसे बोलेंगे कि हाँ भाई, होगी कॉन्ट्रोवर्सी, आ गया वीडियो बनाने। सो मैं आप सभी की सबसे पहले कि ये क्लैरिफाई कर दूँ कि मेरा मतलब ये मोटिव नहीं है कि व्यूज़ के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ या फिर कुछ फेम पाने के लिए। तो अपने हिमाचल वाले की तरह मुझे मत समझो, ओपन बोल रहा हूँ। और यार क्या बंदा है भाई, क्या बंदा है तू, तेरी रियलिटी। मैंने पिछले साल ही बोला था भाई ये नशे करता है, बट कोई मानने को तैयार नहीं था। सब मेरे को गालियाँ दे रहे थे, बहुत से लोगों ने मेरे को कमेंट में बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी हैं। और मैं चाहता हूँ कि वो लोग आज मेरे को कमेंट में गालियाँ दें हिमाचल वाले की सपोर्ट में। दो भाई, हिम्मत है तो दो, करो करो, मैसेज करो करो, इंस्टा पे मैसेज करो करो, धमकियां दो, कॉल करो। कितना कुछ किया तुम लोगों ने मेरे साथ, कितना कुछ तंग किया तुमने मेरे को। एक महीना तो भाई साहब अति हो गई थी, मतलब लोगों ने मैसेज कॉल आती थी, पता नहीं किस किस नंबर से, कहां कहां से कैसे कैसे कॉल्स आती थी, कैसे कैसे क्या क्या होता था। और अब मेरे को ना पिछले कल जब उसकी रियलिटी पता लगी तो मेरे को बहुत से लोगों ने मैसेज किया कि भाई कि अब टाइम आ चुका है आपकी वीडियो, हमें आपकी वीडियो का वेट है, आप अपनी वीडियो में बताओ, आप अपने आप को अच्छा सही साबित करो। तो मेरे को साबित नहीं करना था यार, मेरे को पता था मैं बिल्कुल सही हूँ। और अभी पीछे जैसे कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी रिसेंटली थोड़ा टाइम पहले एक वीडियो डाली थी, वो अर्नब के लिए मैंने एक कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट की थी। वो था एक पता नहीं MP कहाँ से था लड़का, वो तो उसके टाइम भी मैंने हिमाचल वाले का चलो सपोर्ट कर दिया। अब मेरे को पता था वो बंदा गलत है, बट फिर भी मैंने एक हिमाचल वाला समझ के, मतलब हिमाचल का अपने भरमौर साइड का समझ के उसको सपोर्ट किया। मैंने सोचा कि अपना साइड का बंदा है तो करो सपोर्ट यार। तो मैंने ये भी बोला था जब बात हिमाचल पे आएगी तो हम सब एक हो जाएंगे। तो तब भी लोगों ने ऐसा सोचा होगा व्यूज़ के लिए आ गया हूँ। तो मेरा कोई मोटिव नहीं है व्यूज़ के लिए, मेरा कोई मोटिव नहीं है यूट्यूब से पैसा कमाना, मेरा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यूट्यूब को एज ए मेमोरी लेकर चलता हूँ कि मैं कहीं जाऊँ तो मैं उस वीडियो को अपनी मेमोरी बनाकर यूट्यूब पे पोस्ट करूँ, लोग उसको देखें, लोग उसको पसंद करें, इन्जॉय करें मतलब उस चीज़ को। और मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि पैसा कमाना है व्यूज़, मेरे को बस चाहिए ये कि मेरे को बस लोग जाने थोड़ा, मतलब हमारी चीज़ों को देखें, हमारी चीज़ों को देखें, मतलब कि हाँ भाई हम कैसी जगह में जाते हैं, रहते हैं, खाते पीते सोते, मतलब होता है, मतलब एक शौक है मेरे को उस चीज़ का। सो हाँ, तो बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के। टॉपिक ये कि बहुत सारे लोगों ने मुझे उस टाइम पे, जो पिछले साल इसी टाइम कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, मे बी 11 मंथ्स हुए हैं अभी तक, हाँ 11 मंथ पहले जो कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी मेरी हिमाचल के बीच में। सो तब मैंने ऐसा मतलब एज अ मीम तैयार किया था, तो मेरे को ऐसे वैसे धमकियाँ। हाँ तुम्हें एक बात बता देता हूँ, उस टाइम पर मुझे उनके किसी दोस्तों के कॉल भी आते थे कि तुम्हें मार पड़ेगी, भरमौर में रह गई। सोचो यार ऐसी हालत हो गई थी, ऐसे ऐसे दोस्त हैं, ऐसे मेरे को फ़ोन आते थे बोला तेरे को मार पड़ेगी, तू वो कर वो कर। तो ये तो मेरे भाई वगैरह हैं तो ज़रा होती नहीं टेंशन मेरे को, नहीं तो पड़ जाती मार हो क्या। तो ऐसा ऐसा बंदा है भाई, और तुम बोलते थे कि वो बंदा डाउन टू अर्थ था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वो मैंने उस टाइम बोला था तो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, उसकी बहन ने भी मेरे को बहुत ज़्यादा गालियाँ दी थी उस पर कॉमेंट्स में। तो वो मैं आपको बताऊँगा स्क्रीन शॉट साथ ही साथ, आगे पीछे थोड़ा देख लेना। मेरे को गालियाँ दी हुई हैं कि तू अपने काम से काम रख, उसका क्या पता है वो कैसे फैमिली से बिलोंग करता है, वो उसने कितनी मेहनत की है, दिख रही है मेहनत तो दिख गया सब कुछ, सबको सबके ऑडियंस के सामने है कि क्या उसने किया क्या नहीं किया। और बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि कभी भी छोटे क्रिएटर को गलत मत समझो, कि जो ऐसा तो है नहीं जिसके पास फ़ैन फॉलोइंग है वो सच्ची बोलता है, ठीक है। जो फैन फॉलोइंग वाला है वो ज़रूरी नहीं है वो सच बोलेगा, और जो छोटा क्रिएटर है वो ज़रूरी नहीं झूठ बोलेगा। सो मैं उनके फैंस को यही बोलना चाहूँगा, उसके फ़ैन यार उनके क्यों बोल रहा हूँ ऐसी, उसकी कोई इज्जत नहीं है वैसे भी। और मेरे को शर्म आ रही है कि वो बंदा गद्दी कम्युनिटी से बिलोंग करता है और उसको कोई हक नहीं है मतलब भरमौर के बंदे को, मतलब हिमाचल वाला तो उसको कोई टैग लेने का डिजर्व ही नहीं करता है वो बंदा। मैं तो ओपन बोल रहा हूँ, उसको करना है मेरे को फ़ोन करे ना मैं डरता, बिकॉज बात यहाँ पर उस हिमाचल वाली की भी नहीं, हिमाचल वाले की भी नहीं है, गलती है एक लड़की के साथ बहुत गलत हुआ है, ठीक है। उसके पैसे लूटे गए और जिस हिसाब से उन्होंने मतलब अपनी वीडियो में बताया है हिमाचल वाली ने, तो वो किसी एंगल से लग नहीं रहा है कि उन्होंने झूठ बोला है, ठीक है। क्योंकि एक वो होता है ना स्क्रिप्टेड, अब पिछले आपने हिमाचल वाले की वीडियो देखी होंगी, ठीक है, साफ पता लगता है बंदे ने कुछ किया हुआ है, साफ पता लगता है भाई, बेवकूफ़ नहीं होती है भाई ऑडियंस, ठीक है।
कोई ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं होती, बस ऑडियंस नज़रअंदाज कर देती है कि हाँ भाई इसके पास फेम मतलब फेम है, और तुम अपने वीडियो में ऐसा शो कर देते हैं कि तुम अपने लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, अपनी फैमिली के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, तुम बहुत केयर करते हो, बट कैमरे के पीछे की रियलिटी उनको पता थी, उन्होंने सब डिस्क्लोज कर दिया, मतलब सब कुछ बता दिया अब। और ऐसा कुछ भी मैं आपको फिर से एक बार बोल दूंगा, जिसके पास फेम होती है ज़रूरी नहीं वो सच्चा होता है, और जिसके पास फेम नहीं होती है वो ज़रूरी नहीं झूठा होता है। बस तो मैं यही बोलना चाहूँगा, पिछले साल मेरे को बहुत ज़्यादा सुनाया गया, बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ी मेरे को यूट्यूब पे, और उसके बाद थोड़ा मैं डिमोटिवेट सा भी हो गया था, मैंने काफ़ी ब्लॉग्स उसके बाद भी बनाए, बट मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गाइस कि मैं यूट्यूब से पैसे कमाऊँ, व्यूज़ लाऊँ, मेरे को फेम मेरे को कुछ नहीं चाहिए यार। मैं बोल रहा हूँ अगर मेरे को कल को यूट्यूब से इनकम होती भी है ना, तो मैं भोलेनाथ की कसम खा के बताता हूँ, मैं उस इनकम को डोनेट करूँगा जहाँ पर मुझे लगेगा, मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए उस इनकम को ज़रा भी नहीं रखूँगा, ठीक है। और मेरे पापा दादा ने हम कमाया है, मुझे नहीं है पैसों की ज़रूरत, और मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और उसका सोर्स ऑफ इनकम था यूट्यूब के, मैं समझ सकता हूँ मैंने भी गलत किया था उस टाइम पर अब मुझे लग रहा है मैंने बिल्कुल गलत नहीं किया था उसके ऊपर वीडियो बनाकर, मैंने बहुत अच्छा किया था, बट यार वो किसी और की क्या रिस्पेक्ट करेगा जब वो एक लड़की की रिस्पेक्ट नहीं कर पाया, तो आप खुद बताओ मेरे को, ठीक है। अब कमेंट बॉक्स आपके पास है हिमाचल वाले की, आपको प्रोफाइल पता है, अब देख लो आपने जो करना है करो, बट मैं एक बात बोलना चाहूँगा, वो लड़का बहुत ज़्यादा करप्टेड निकला, उसको कोई हक नहीं है हिमाचल वाला टैग लेके डिजर्व, वो करता ही नहीं है भाई हिमाचल वाला, क्योंकि हिमाचल के लोग ऐसे होते नहीं है, और गद्दी कम्युनिटी के तो खासकर ऐसे लोग होते नहीं है, सो बहुत गलत हुआ। और हिमाचल वाली अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप टेंशन मत लेना, अगर आपको वो कुछ गाली वगैरह देता है तो, और आपके भाई जितने भी हैं मेरे साथ भी होंगे, मेरी भी मतलब थोड़े मतलब जान पहचान के, टेंशन मत लो, कभी एक लड़की के साथ गलत नहीं होगा परवार में, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, कभी भी किसी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं होगा, हिमाचल भरमौर कई इंडिया में कभी किसी लड़की के साथ गलत नहीं होगा, आप लीगल एक्शन ले सकते हो उसके खिलाफ अगर आपको लगता है उसने आपके साथ बहुत गलत किया है तो। और मैं आपको एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, अब इन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि वो लड़का बंदा उसको डेली अल्कोहल चाहिए, सो मैं आपको एक बात बोलना चाहता, अभी वो पीछे जैसे कैलाश परिक्रमा के लिए गया था, तो यार ऑब्वियसली ट्रैकिंग में भी उसने कुछ किया होगा, फिर तो अगर वो बंदा डेली पी रहा है, उसको अपने बड़ों की इज्जत नहीं है, अपनी एक लड़की की इज्जत नहीं है, तो वो ट्रैक पे तो पिएगा, चलो वो उसकी पर्सनल लाइफ है, वो मैं उसको कुछ नहीं बोल सकता, बट जिस ट्रैक पे वो गया था, जिनका वो नाम लेता अपनी भोलेनाथ कृपा करे, भोलेनाथ वैसा करे, भोलेनाथ वैसा करे, तो भाई तुम ना ऐसी झूठी फेम मत लो, ठीक है, उनके नाम पे झूठी फेम मत लो, उनका नाम दुनिया में सबसे बड़ा नाम है, वो बहुत मतलब मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, पर सुधर जाओ, अभी भी टाइम है भाई, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, बहुत टाइम है अभी भी, बट भूल जाओ, तुम्हारी यूट्यूब के लिए कोई फेम फैमिली मिलेगी तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम डिजर्व ही नहीं करते ब्रो, तुम डिजर्व करते ही नहीं हो हिमाचल वाला टैग। और मेरे को बहुत से लोगों ने पिछले साल भी जब कंट्रोवर्सी हुई थी तो मेरे ऊपर बहुत सी वीडियो बन रही थी कि स्क्रीनशॉट्स फेक हैं, वैसा है वैसा है वैसा है, तो भाई लाओ प्रूफ लाओ, अब अपने हिमाचल वाले के ऊपर प्रूफ लाओ कि हाँ भाई उस बंदे ने बहुत अच्छा किया। और मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि बहुत गलत किया ब्रो, बहुत ज़्यादा गलत किया तुमने, बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं, तुमने अपना ही नहीं एक भरमौर का नाम डुबाया है, तो ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए ये सब। सो गाइज मिलेंगे एक अच्छे ब्लॉग में, सो मैंने बस अपनी एक क्लैरिफिकेशन देनी थी कि छोटा यूट्यूबर गलत नहीं होता है, मान लिया करो कभी बातें, और तब मेरे को गालियाँ दी गई थी छोटा है बच्चा है अभी तक वैसा वैसा वैसा, तो मैंने उसके बाद नहीं किया, मेरे को पता था लोग अंधभक्त हैं ही है, अब उन्होंने रहना ही है उसके ऊपर। सो चलो मिलेंगे आपको एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज।